भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाकर अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के सामने अगर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं तो उसे आप कैसे देखते हैं? भारत की मजबूत छवि जिस तरीके से दुनिया में उभर रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं दो टूक बोलना या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, इसे आप कैसे देखते हैं? ब्रह्मदीप जी ये मुझे बताइएगा। साथ ही साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर संदीप आपका भी बहुत स्वागत। ब्रह्मदीप जी जवाब दीजिए। देखिए रचना जी, दो तीन चीजें। एक तो ब्रिक्स पर चीन कब्जा कर लेना चाहता है। चीन ने ईरान अब ब्रिक्स का सदस्य बन गया, तुर्की बनना चाहता है, पाकिस्तान को चीन लाना चाहता है। तो चीन को के साथ न केवल हमारा समझौता हुआ है सीमा समझौता या सैन्य समझौता, लेकिन उसके साथ साथ भारत ने आतंकवाद पर खरी खरी चीन को सुनाकर यह भी संदेश दिया है कि ब्रिक्स में किसी भी देश का प्रवेश जो है वो इतना आसान नहीं है जितना चीन समझ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को लगातार आगे लाना चाहता है। दूसरी तरफ दूसरी बात यह भी है कि जो रूस है वो दागिस्तान के इलाके हो या बहुत सारे इलाके हैं वहां पर जो रूस है वो भी आतंकवाद से प्रभावित रहा है, और चीन का जो सिंचियांग इलाका है वो भी आतंकवाद से प्रभावित है। तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे भारत ही नहीं दुनिया के कई देश प्रभावित है। चीन लगातार आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद का बचाव करता रहा है, तो भारत चीन को यह संदेश देना चाहता है वैश्विक पटल से कि हम आपसे बेहतर संबंध तो रखेंगे, हम आपसे व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने वाले देश है, आतंकवाद के नाम पर दुनिया में अशांति फैलाने वाले देश है और आतंकियों की जो प्रशिक्षण स्थली है ऐसे देशों के आप सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो ऐसी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि ब्रिक्स की एक जो बहुउद्देशीय मंच है या दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच है वहां पर आर्थिक प्रतिबद्धताओं के साथ साथ भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक स्थिति को तो सारे देश मजबूत करेंगे लेकिन यह तभी बेहतर हो सकती है जबकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो आतंकवाद जैसी जो चीजें जो समस्याएं उनके खिलाफ भी मुखर होकर खड़े हो जाए और उनमें एकरूपता नजर आए। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, चीन का सपना है दुनिया में नंबर वन बनने का, फिर चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो या ऐसे ग्रोथ के लिहाज से हो, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है और ये सपना वो पिछले लंबे वक्त से पाले हुए है, उसी को लेकर वो उलझुल हरकतें भी करता है। CTI की रिपोर्ट कहती है, दावा कहता है कि इस साल दिवाली पर 10,000 करोड़ का नुकसान उसे भारत की तरफ से होगा क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, चीनी सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। दिवाली पर तो बम्पर खरीदारी होती है, ऐसे में दुकानदार भी चीनी जो सामान है यानी कि जो चाइना से आने वाला सामान है उसे रखने से परहेज कर रहे हैं। चाइना ये बात जानता है कि भारत से अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्या इसलिए भी शी जिनपिंग सॉफ्ट रहे, उनकी कोशिश रही कि भारत से रिश्ते बेहतर हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत बेहतर हो जाए? देखिए, आपके सवाल को मैं एक थोड़ा सा फिलोसफिकल लेंस से देखूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्कॉलर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट कोइन, उन्होंने इस बात को बोला था कि डज इंटरडिपेंडेंस डाइल्यूट द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये उनका एक थ्योरी थी, क्या जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ होते हैं उनके उसको डाइल्यूट करता है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सही साबित हो रही है कि चाइना यदि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो ऐसा नहीं है कि यदि हम चाइना के इंपोर्ट को यदि हम हर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की इकोनॉमी भी हर्ट होगी। मेक इन इंडिया के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़ रहा है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आप ओवर द नाइट आप अपने सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर का पुश द बटन नहीं किया, स्विच द बटन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये है कि ये सत्य है कि जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट को डाइल्यूट करने के लिए जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और यही कारण है कि रूस इस बात को हमेशा कहता आया है कि भारत इंडिया और चाइना जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है RIC का, और वो इसलिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि भारत और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो अलाइंड है। आप यदि पॉलिटिकल इश्यूज को, बॉर्डर इश्यूज को थोड़ा सा साइड में रखे हैं तो बहुत सारी इंटरेस्ट हैं जो कन्वर्जेंस है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं और इंडिया हमेशा इस बात से कोशिश करता रहा है कि दुनिया में भारत को, भारत एक तरह से जो एक आवाज दे रहा है नॉन वेस्टर्न की,
भारत चाइना और रूस के जो 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 उनका जो टोन है उस टोन में नहीं सुर मिला रहा, क्योंकि उनका टोन है एंटी वेस्ट का। भारत का प्रयास है कि हम नॉन वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा करें, और ब्रिक्स एक अपने आप में उस दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है। कि जब आदरणीय हमारे विदेश मंत्री जी से सवाल पूछा गया G7 में कि आखिर ब्रिक्स की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया, ब्रिक्स की जरूरत इस बात की थी कि G7 हैज ब्लॉक्ड अदर मेंबर्स। यूरोसेंट्रिक ऑर्डर हमेशा इस बात पर गलत फहमी में रहा कि दुनिया हमेशा उन्हीं के नैरेटिव से चलती रहेगी। तो इस तरीके जो डिडोलराइजेशन है, हमने देखा कि सैंक्शन अमेरिका हमेशा डॉलर हेजमनी को लेकर के वेपनाइज करता रहा है, और रशिया इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो मैंने बताया आपको कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, यहाँ पर चाइना को इस बात को अच्छी तरह से एहसास है कि यदि आपको नॉन वेस्टर्न ऑर्डर खड़ा करना है तो हिंदुस्तान को साथ में लेना होगा, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट से हमारे जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से उनको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना होगा। और यही कारण है कि आज इतने बड़े मंच से ब्रिक्स जैसे जहां पर एशियो ब्रिक्स में भारत और चीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। और चाइना एक इस बात से मैं डिफर भी करता हूं कि रही बात पाकिस्तान की पाकिस्तान को एंट्री कर देंगे, तो भारत देखिए ये जो एससीओ ब्रिक्स है, कभी इंडिया कभी नहीं चाहता है कि ये चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन बने, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये कि रूस है। रूस हमेशा बैलेंसिंग एक्ट में रहता है, और रूस का ये हित में है कि इंडिया और चाइना दोनों साथ में आए। और जिस दिन एशिया के सबसे बड़े जो कंट्री है, मोस्ट पॉपुलस, दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और जब हम हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि ये सदी एशिया की सदी होगी, तो तब एशिया की सदी होगी जब हम चाइना इंडिया और रशिया साथ में होगी। तो इस तरीके का आना एक एक कोइंसिडेंट नहीं है, एक हाँ, कैलकुलेशन है। 140 करोड़ है। से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की है। चाइना जानता है कि बड़ा मार्केट उसके लिए भारत है, और यहाँ हजारों करोड़ का जो व्यापार है वो चाइना को मिलता है, और ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क को लेना नहीं चाहता। आप रहिए मेरे साथ में। रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है।